हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 की स्टार्टिंग। देखिए, सबसे पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके कुछ 8 पार्ट्स हैं और बहुत ही सिंपल सिंपल है। मैंने आपको बेसिक्स इंट्रोडक्शन का जो वीडियो था उसमें भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन कराए थे। देखिए, इसमें हम करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x − 3। क्वेश्चन में पढ़िए, बताना है चेक वेदर दी फॉलोइंग आर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, ये लगाया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × x − 2 × 3 = 6। तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 + 2x इज इक्वल टू 2x − 6। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये नेगेटिव का जो −6 है इधर आके हो जाएगा प्लस का 6, और वहां पर आएगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 = 0। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो इक्वेशन आई है इसमें, इस इक्वेशन में डिग्री कितनी है, 2 है, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था एक फर्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकंड भी बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू −2 (3 − x)। इसको करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर ब्रैकेट खोलिए, −2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होगी, क्योंकि −2 दोनों के बाहर है, तो माइनस का 6 हो जाएगा पहले, तो फिर −2 × −x करोगे तो −−+2 × x। क्लियर हो गया। अब देखिए, 2x से 2x कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है। आप ऐसा करिए, सारी टर्म्स को एक साइड में ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6 हो जाएगा इधर आकर, और माइनस का 2x हो जाएगा इधर आकर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 6 = 0। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, देखो थर्ड पार्ट में लिखा है x − 2 × x + 1 = x − 1 × x + 3। चलिए इसके ब्रैकेट खोलते हैं, तो यहां पर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो पहले x की x से करेंगे, फिर x की 1 से करेंगे। तो पहले x की x से करो तो बनेगा x स्क्वायर, फिर x की 1 से करो तो बनेगा x। अब −2 की x से करेंगे तो आएगा −2x, फिर −2 की 1 से करेंगे तो बनेगा 2 × 1 = 2 माइनस का। राइट हैंड साइड में करेंगे तो x × x = x, x × 3 हो जाएगा 3x, 1 की x में करोगे तो माइनस का 1 × x माइनस का x, और −1 × 3 करोगे तो माइनस का 3। दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, तो मेरी इक्वेशन में कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो मैं समझ गया हूं इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए, सॉल्व करते हैं इसको, x −2x माइनस का 3x और प्लस का x। ये क्या किया मैंने, ये जो माइनस का 3x है यहाँ से आया, देखो 3x यहाँ पर पॉजिटिव था तो इधर आके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। देखो नेगेटिव 3x हो गया यहाँ पर आके, और ये x तो यहाँ पर नेगेटिव था वहां जाके हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, एक बचा माइनस का 2, और इधर से माइनस का 3 जब इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। इसको सॉल्व करिए, x और x मिलके हो जाएगा 2x, 2x −2x कैंसिल हो जाएगा, चेक कर लीजिए आप, ये 2x हो जाएगा और ये −2x कैंसिल, बचेगा क्या, माइनस का 3x और प्लस का 1 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। चलिए आप देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं x − 3 × x × 2x + 1 = x × x + 5।
यहाँ पर भी सेम वही रूल है, ब्रैकेट खोलने हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करिए, देखिए बिल्कुल सेम थर्ड पार्ट मैंने कराया, फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा, बिल्कुल सेम है। इसमें भी आपको ब्रैकेट खोलने हैं और सबको सिंप्लीफाई करके ये देखना है लास्ट में एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं अब आपको फिफ्थ पार्ट कराने जा रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट है हमारा 2x-1 × x-3 = x + 5 × x - 1। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें भी यही करना है, 2x की x से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा 2x स्क्वायर, फिर 2x की -3 से करो तो बनेगा माइनस का 6x, फिर इसकी इससे करो -1 × x दैट इज -x, फिर -1 × -3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 × 3। यहां पर करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, इसकी करेंगे तो बनेगा माइनस का एक्स, 5 की करेंगे तो बनेगा 5x, और 5 की करेंगे -1 से तो बनेगा माइनस का 5। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसे कैंसिल मत करिए, ऐसा करते हैं सबको एक साइड में ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहां पर से ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आके हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी अब क्या बचा, माइनस का 6x, माइनस का एक्स यहां से इधर आएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, अब ये बचा क्या, प्लस 3 बचा, और ये 5 जो बचा है उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5, और राइट हैंड साइड में बचेगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, 2x² - x² = 1x², इन सबको सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा, माइनस का 6x और माइनस का 1x और माइनस का 5x कितना हो गया। देखिए इसको हम इससे बजाय हम ऐसे नहीं कर सकते, अब देखिए x वाली टर्म्स को करते हैं, तो ये प्लस x और माइनस x तो हो गया कैंसिल, 6x माइनस का और माइनस का 5x कितना हो जाएगा, माइनस का 11x, ये कितना हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा 8। ये मैं देख सकता हूं मेरे सामने ये जो आई है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं इसका, सिक्स्थ पार्ट में देखते हैं x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x² + 3x + 1 इसको तो एज इट इज रहने दो, यहां पर खोलो a - b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, इन दोनों को ले आएंगे इस तरफ, तो 4x + 3x + 1 - 4 = 0। इसको सॉल्व करो तो बनेगा 7x - 3 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है, सो यहां पर बोलेंगे हम इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूछ रहे थे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सिक्स पार्ट हो चुके हैं, अब देखते हैं सेवेंथ एंड एट पार्ट। सेवेंथ एंड एट पार्ट इज इन सब में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें लग रहा है a + b का होल क्यूब, और ज्यादातर बच्चे होल क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब में जितने भी अब तक हमने क्वेश्चन करे हैं इन सब में सेवेंथ और एट पार्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, a + b का होल क्यूब होता है, यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a + b का होल क्यूब फॉर्मूला होता है हमारा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। ठीक है, यहां पर लगाएंगे फॉर्मूला, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b इज इक्वल टू के इधर क्या आएगा, देखो 2x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करो तो बनेगा 2x³, 2x की मल्टीप्लाई -1 से करो तो बनेगा माइनस का 2x। अब इसके ब्रैकेट खोलते हैं, x³ + 8, 2 का क्यूब हो गया 8, ये आ जाएगा 6x, ब्रैकेट में आएगा x + 2, 2x³ - 2x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो बनेगा x³ + 8, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x² प्लस इसकी करेंगे तो आएगा 6 × 2 = 12x, राइट हैंड साइड में 2x³ - 2x। इन दोनों को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो x³ - 2x²
फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म को लिखेंगे फिर हम, सिक्स एक्स स्क्वायर, और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम लिखेंगे एक्स वाली टर्म 12x, ये माइनस का 2x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, और कुछ बचा है, हाँ 8 बचा है, तो लिखेंगे 8। एक बार आप चेक कर लीजिए कोई टर्म छुट्टी तो नहीं है, एक्स क्यूब हो गया, माइनस का 2x क्यूब हो गया, ये देखिए ये हो गया, 6x स्क्वायर हो गया, 12x भी हो गया, ये 2x नेगेटिव था इधर आके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी हो गया, अब क्या बचा 8 भी हो गया, सारे नंबर हो चुके हैं, ठीक है, हमें यही देखना है कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, वैसे तो मेरे को पता लग चुका है क्योंकि इसमें आ रहा है एक्स क्यूब, तो 1x क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना होगा, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 14x प्लस का 8, एंड दैट इज ए क्यूबिक इक्वेशन, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन, तो आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक का बताना था तो आप लिख लीजिए इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये हो गया हमारा 7th पार्ट, अब हमें देखना है लास्ट 8th पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड तो पहले से ही सिंप्लीफाइड है, राइट हैंड साइड में लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, यहां पर अब लगाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में लगाएंगे a माइनस b, ठीक है। चलिए अब इसको खोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो सिंप्लीफाई पहले से ही है, राइट हैंड साइड को करेंगे एक्स क्यूब माइनस 8, ये कितना हो जाएगा माइनस का 6x ब्रैकेट में एक्स माइनस 2, तो आएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस का 6x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करिए फिर इसकी इसकी करिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 टू जा 12x, और यहां पर है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, अब सारी टर्म्स को ले आइए एक साइड में, तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, ये देखिए इधर आ जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, 12x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 12x, और यहां पर माइनस का x पहले से ही है, 1 पहले से ही है, 8 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, अब देखिए 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 13x, और ये कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए।